हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस मूवी की पूरी कहानी जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट के खुल के सामने आ जाने से डेथ ईटर्स का आतंक बढ़ गया है और वो किडनैपिंग से लेकर ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। हैरी गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गया है जहाँ वो कैफे में बैठा है और डेली प्रॉफिट पढ़ रहा है और वहाँ काम करने वाली लड़की के साथ डेट पर जाने वाला होता है। पर तभी वहाँ डंबलडोर आ जाते हैं और हैरी नोटिस करता है कि उनका एक हाथ काला पड़ चुका है। डंबलडोर ये बताए बिना कि ऐसा कैसे हुआ उसे ऑपरेट करके बडली बेबर्टन विलेज ले जाते हैं। वहाँ वो एक घर में जाते हैं जहाँ सामान इधर उधर पड़ा हुआ होता है और सीलिंग से खून टपक रहा होता है। पर डंबलडोर को कुछ समझ आ जाता है और वो एक सोफे पर अपनी छड़ी चुबो देते हैं और सोफा स्लगहॉर्न नाम के जादूगर में बदल जाता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि ऐसा उन्होंने डेथ ईटर्स के कारण किया क्योंकि वो लोग एक साल से उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्लगहॉर्न और डंबलडोर मिलकर घर को फिर से ठीक कर देते हैं। डंबलडोर जानबूझकर हैरी को स्लगहॉर्न के पास अकेला छोड़कर चले जाते हैं जहां हैरी नोटिस करता है कि स्लगहॉर्न पहले हॉगवर्ट्स के टीचर थे और उन्होंने उसकी मम्मी को भी पढ़ाया था, साथ ही पूरे ब्लैक परिवार को भी। वो हैरी को कई फेमस विजर्ड और विचेस की तस्वीरें भी दिखाते हैं जो उनके खास स्टूडेंट्स रहे थे। डंबलडोर वापस आ जाते हैं और स्लगहॉर्न से कहते हैं कि वो स्कूल वापस चले, पर पहले तो स्लगहॉर्न मना कर देते हैं पर फिर रेडी हो जाते हैं ये कहते हुए कि उन्हें दूसरा रूम चाहिए और रेज्ड सैलरी भी। डंबलडोर हैरी को फिर से ऑपरेट करके वीजलीज के घर के बाहर छोड़ जाते हैं। हरमाइनी भी रॉन के घर पर ही होती है और रॉन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि सभी के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि अब सबको लगता है कि हॉगवर्ट्स में खतरा है और डंबलडोर भी बूढ़े हो चुके हैं। अगले सीन में बताते हैं कि बेलाट्रिक्स और नार्सिसा स्निपर्स एंड में है। वो स्नेप के घर पहुंचते हैं जहां पेटिग्रू भी होता है। नार्सिसा स्नेप से ड्रेको के लिए हेल्प मांगती है। स्नेप कहते हैं कि डार्क लॉर्ड ने खुद ड्रेको को इस काम के लिए चुना है और वो उनका फैसला नहीं बदल सकते, पर वो ड्रेको की हेल्प करेंगे। पर बेलाट्रिक्स को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि स्नेप वक्त आने पर कहीं पर छिप जाएगा, इसलिए वो अटूट कसम यानी अनब्रेकेबल वो करे। स्नेप रेडी हो जाते हैं और उनसे तीन कसमें खाने को कहा जाता है। पहला कि वो ड्रेको पर नजर रखेंगे, दूसरा अपने पूरे पावर से उसको प्रोटेक्ट करेंगे और लास्ट अगर ड्रेको वो काम नहीं कर पाया जो डार्क लॉर्ड ने दिया है तो खुद स्नेप वो काम करेंगे। स्नेप तीनों कसम खा लेते हैं। अगले सीन में वीजलीज की शॉप दिखाई जाती है जहाँ काफी भीड़ होती है और बच्चे शॉपिंग कर रहे होते हैं। हैरी वहाँ से परू का इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर लेता है। हरमाइनी और जिनी लव पोशंस देख रही होती हैं। हैरी को पता चलता है कि जिनी आजकल डीन थॉमस के साथ घूम रही है जबकि कॉर्मेक मैगलेगन और लेवेंडर ब्राउन हरमाइनी और रॉन में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि पूरी डायगोनली शांत पड़ी है बिना रंग के और लोगों के, सारी दुकानें बंद है, बस फ्रेड और जॉर्ज की ही रंग बिरंगी दुकान खुली है। उनका ध्यान जाता है कि ड्रेको और उसकी माँ सबसे छिप कर नॉकटन एली में जा रहे हैं। वो तीनों उनका पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्रेको बॉगिन एंड बर्ग्स में किसी अलमारी को देख रहा है। अगले सीन में सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में होते हैं जहाँ हैरी अपना शक रॉन और हरमाइनी को बताता है कि उसे लगता है कि ड्रेको डेथ ईटर बन गया है। पर जब उन दोनों को ही उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता तो हैरी वहाँ से उठकर चला जाता है और ड्रेको के कंपार्टमेंट में इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर का यूज करके घुस जाता है जहाँ वो सुनता है कि ड्रेको कह रहा है कि उसे हॉगवर्ट्स पसंद नहीं और वो अगले साल वो यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। पर ड्रेको का ध्यान जाता है कि ऊपर रखा बैग अपने आप हिल रहा है और ट्रेन रुकने पर वो बाकियों को जाने का कहता है और कंपार्टमेंट के ब्लाइंडर्स गिरा देता है और हैरी पर हमला कर देता है। हैरी स्पेल बाउंड होकर गिर जाता है। ड्रेको उसकी नाक पर लात मार देता है और इनविजिबिलिटी क्लोक वापस उस पर डालकर कंपार्टमेंट बंद करके चला जाता है। ट्रेन वापस जाने को ही होती है कि तभी वहाँ पर अजीब से चश्मे में लूना आ जाती है और उसे बहुत से रेक्सपर्ट्स दिखते हैं एक जगह पर और वो हैरी को ढूंढ लेती है। दोनों हॉगवर्ट्स कैसल की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ऑरर्स हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो ड्रेको को पकड़ चुके हैं कि वो स्टिक लेकर हॉगवर्ट्स में क्यों जा रहा है। पर स्नेप आकर ड्रेको को अपने साथ ले जाते हैं। लूना का ध्यान जाता है कि हैरी की नाक टूट गई है और वो उसकी नाक को ठीक कर देती है। ग्रेट हॉल में डिनर चल रहा होता है जहाँ हरमाइनी रॉन पर नाराज होती है कि उसका दोस्त मिसिंग है और वो खाने में लगा हुआ है। पर तभी वहाँ हैरी आ जाता है मुंह पर खून लिए। डंबलडोर सबको बताते हैं कि स्लगहॉर्न बच्चों को पोशन मेकिंग पढ़ाएंगे और स्नेप अब डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाएंगे। अगले सीन में बच्चों के केओस को रॉन और हैरी एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ये उनका फ्री पीरियड होता है। पर मैगोनिकल हैरी को कहती है कि अगर वो ऑरल बनना चाहता है तो इस खाली पीरियड को वो पोशन की क्लास से भर सकता है और हैरी रॉन को भी साथ में ले जाए। रॉन नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो क्विडिच ट्रायल्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहता था, पर हैरी उसे अपने साथ ले ही जाता है।
स्लगहॉर्न उसका खुश होकर वेलकम करते हैं और उन दोनों को अलमारी से बुक्स और बाकी जरूरत का सामान लेने का कहते हैं। वहाँ स्लगहॉर्न बच्चों को कुछ पोशंस दिखाकर पूछते हैं कि ये क्या है, जिनका जवाब हमाइनी देती है कि उसमें से एक वेरिटा सिरम यानी सच बुलवाने वाला पोशन है, पॉलीजूस पोशन यानी भेज बदल पोशन है और एमोटेंटिया यानी लव पोशन है, जिसमें से वही स्मेल आती है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है, और छोटी सी शीशी फेलिक्स फेलिसिस यानी लिक्विड लक्की होती है। स्लगहॉर्न कहते हैं कि जो क्लास के एंड में सबसे अच्छा ड्रॉट ऑफ लिविंग डेड बनाएगा वो उसे ये छोटी सी शीशी एज अ प्रेजेंट देंगे। सब अपनी बुक खोलते हैं। हैरी देखता है कि उसकी बुक किसी हाफ ब्लड प्रिंस की है और उसने इस बुक में कई जगह नोट्स और रेसिपीज में चेंजेस लिखे हैं। जब सोफोफोरस बीन को काटने में सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हैरी देखता है कि लिखा है कि इसे काटने की जगह दबाओ और ऐसा ही करने पर बहुत सारा रस निकल आता है उसमें से। इसके बाद वो सारे वही स्टेप फॉलो करता है जो बुक के पुराने मालिक ने लिखे थे और उसका पोशन सबसे अच्छा बनकर रेडी हो जाता है और एंड में स्लगहॉर्न उसे लिक्विड लक की वो छोटी सी शीशी दे देते हैं। अगले सीन में डंबलडोर रिडल की नष्ट हुई डायरी देख रहे होते हैं और हैरी वहां आ जाता है। डंबलडोर उससे कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी कुछ यादें हैरी को दिखाएंगे और पेंसिव में एक याद डालते हैं। ये याद तब की होती है जब वो टॉम रिडल से पहली बार मिले थे एक ऑर्फनेज में, जहां वो अजीब सा बच्चा हुआ करता था। पहले तो उसे लगा था कि डंबलडोर कोई डॉक्टर है क्योंकि बाकी लोग उसे पागल मानते थे, पर जब डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो एक जादूगर है और उसी की तरह बाकी लोगों से डिफरेंट है, तो टॉम उन्हें बताता है कि कैसे वो जानवरों से बात करके अपने काम करवाता है, बिना छुए सामानों को हिला सकता है और जो उसे परेशान करते हैं उन्हें चोट पहुंचा सकता है। और वो डंबलडोर से भी कहता है कि वो भी प्रूफ करके दिखाए कि वो कैसे खास हैं। डंबलडोर पीछे की अलमारी में जादुई आग लगा देते हैं जिसे देखकर टॉम खुश हो जाता है, पर जाते जाते जोश में टॉम ये भी बता देता है कि वो सांपों से बात कर सकता है, जिसे सुनकर डंबलडोर शॉक हो जाते हैं। वापस प्रेजेंट में आकर डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि स्कूल डेज में टॉम की दोस्ती स्लगहॉर्न से हो गई थी और स्लगहॉर्न से डंबलडोर को कुछ खास चीज चाहिए जो वो आसानी से नहीं देंगे, इसलिए हैरी उनकी दल में शामिल हो जाए और उनका ट्रस्ट जीत ले। अगले सीन में ड्रेको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता है जहाँ वो एक अलमारी को ढूंढ लेता है। क्विडिच के ट्रायल्स हो रहे होते हैं जहाँ रॉन और मैग्लेगन दोनों ही कीपर की पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। हरमाइनी और कई लोग ऑडियंस में बैठे होते हैं। दोनों में मैग्लेगन रॉन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, पर उसके लास्ट गोल के टाइम हरमाइनी उस पर स्पेल कर देती है जिससे वो गोल नहीं बचा पाता, बल्कि रॉन अपने सारे गोल किसी तरह बचा लेता है और टीम में सेलेक्ट हो जाता है। रॉन ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में बैठकर खुश हो रहा होता है जबकि हैरी पोशन की बुक में सेक्टम सेम्परा स्पेल पढ़कर हरमाइनी से पूछता है कि क्या वो इस स्पेल के बारे में जानती है। हरमाइनी नाराज हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि रॉन ये भी कह देता है कि इसी बुक के कारण हैरी सब्जेक्ट में हरमाइनी से आगे हो गया है। हरमाइनी उससे बुक मांगती है पर हैरी के मना करने पर जिनी उसके हाथ से बुक छीन लेती है, पर दोनों को ही उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इसके कि ये बुक हाफ ब्लड प्रिंस की है। अगले सीन में हॉग्समेड में हरमाइनी नाराज हो रही होती है कि बिना जाने कि हाफ ब्लड प्रिंस कौन है हैरी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। हैरी का ध्यान जाता है कि सामने स्लगहॉर्न जा रहे हैं जो कि फ्लिटविक से थ्री ब्रूमस्टिक जाने की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हैरी भी उनके पीछे चल देता है और जानबूझकर ऐसे पोजीशन पर बैठता है जहां से स्लगहॉर्न उसे देख सके। रॉन का ध्यान जाता है कि जिनी और डीन किस कर रहे हैं, वो गुस्सा होने लगता है। स्लगहॉर्न आते हैं और हैरी और हरमाइनी को अपने डिनर पार्टी में आने का इनविटेशन देते हैं और रॉन को इग्नोर कर जाते हैं। हैरी का ये भी ध्यान जाता है कि ड्रेको पब के बाथरूम में जा रहा है। वापस लौटते टाइम केटी और लियान किसी बात पर बहस कर रही होती हैं और आगे चल रही होती हैं। तभी केटी हवा में ऊपर उठ जाती है, चिल्लाती है और जमीन पर जोर से गिर जाती है। उस पर कोई कर्स लग जाता है। हैग्रिड वहां आ जाता है और केटी को उठाकर ले जाता है और हैरी को वहां एक नेकलेस दिखता है जिसे वो पैकेट के सहारे उठा लेता है। वो लोग मैकगोनिकल के पास पहुंचते हैं जहां लियान बताती है कि पहले तो केटी के पास कुछ भी नहीं था और जब वो बाथरूम से वापस आई तब उसके पास ये पैकेट था और वो कह रही थी कि उसे ये पैकेट डंबलडोर को देना है। स्नेप भी वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि नेकलेस कर्स्ड है और केटी लकी है कि वो मरी नहीं। जब कंफर्म होता है कि केटी पर किसी ने जादू किया था तो हैरी मैलफॉय को दोषी बताता है, पर कोई सबूत ना होने के कारण किसी को उस पर यकीन नहीं होता। रात में रॉन अब भी जीनी के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और हैरी और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि डीन और जीनी एक दूसरे को पसंद क्यों करते हैं और साथ ही वो जीनी और हरमाइनी की अच्छी स्किन के बारे में भी बात करते हैं। स्लगहॉर्न की पार्टी चल रही होती है जहां मैग्लेगन होता है, नेविल होता है, हैरी और हरमाइनी होते हैं। तभी वहां रोई हुई सी जीनी आ जाती है जिस पर हरमाइनी बताती है कि उसकी और डीन की लड़ाई होती रहती है। डिनर के बाद हैरी स्लगहॉर्न के रूम में ही रुका रहता है। जब स्लगहॉर्न उसे बताते हैं कि जिस स्टूडेंट में कुछ खास होता है वो उस शेल्फ पर पहुंच जाता है, हैरी पूछ लेता है कि क्या वोल्डेमॉर्ट भी कभी इस शेल्फ पर था
और वो कैसा था, स्लगहॉर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि हैरी के कहने पर कि क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है, स्लगहॉर्न कहते हैं कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि टॉम भी बाकी बच्चों की ही तरह टैलेंटेड और स्किलफुल था। मॉन्स्टर अगर कहीं था भी तो बहुत ही अंदर छिपा था। क्विडिच मैच का दिन आ जाता है। रॉन को अच्छा फील नहीं हो रहा होता, वो बहुत नर्वस होता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि स्लिदरिन वाले उसका मजाक बना रहे होते हैं। हमाइनी बताती है कि स्लगहॉर्न क्रिसमस पार्टी दे रहे हैं जिसमें वो अपने साथ एक पार्टनर ले जा सकते हैं, पर खराब मूड के कारण रॉन कह देता है कि हरमाइनी कॉर्मैक को अपने साथ ले जाए क्योंकि दोनों स्लग क्लब में है। अब हमाइनी को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रॉन को ले जाने के बारे में सोच रही थी। लेवेंडर आकर रॉन को विश करके जाती है, पर इस पर रॉन और दुखी हो जाता है और कहता है कि वो रिजाइन कर देगा और उसकी जगह मैकलेगन को रख लिया जाए, पर हैरी रॉन को जूस पीने के लिए देता है। लूना सब देख रही होती है और उसे लगता है कि हैरी ने उसके जूस में कोई टॉनिक मिलाया है, पर रॉन जूस पी लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैच होता है और जिनी, बाकी की टीम और खासकर रॉन के बेहतरीन परफॉर्मेंस से ग्रिफिंडोर मैच जीत जाता है। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में सब लोग रॉन का नाम ले रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। हमाइनी हैरी को कहती है कि उसने सही नहीं किया, तो हैरी दिखाता है कि उसने पोशन का यूज किया ही नहीं था, उसने बस ये नाटक किया था। और वो लोग देखते हैं कि लेवेंडर रॉन को किस कर लेती है, जिसे देखकर हैरी तो खुश हो जाता है पर हमाइनी उदास होकर वहां से चली जाती है। हैरी उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो रो रही है, बल्कि हमाइनी कहती है कि वो तो स्पेल की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ मस्ती करते हुए रॉन और लेवेंडर आ जाते हैं और हमाइनी बर्ड से रॉन पर हमला करा देती है, जिस पर हैरी कहता है कि उसे बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जब वो जिनी को डीन के साथ देखता है। अगले सीन में रॉन हैरी को कहता है कि वो फ्री है और उसके और लेवेंडर के बीच में केमिस्ट्री है। लाइब्रेरी में हमाइनी कहती है कि रॉन जिसे चाहे उसे किस करता फिरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हैरी को ये भी कहती है कि वो स्लगहॉर्न की पार्टी में अब किसी और को ले जा रही है। और हैरी बच के रहे क्योंकि पीछे बैठी रोमिल्डा वैन हैरी को लव पोशन देना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि हैरी चोजन वन है, और सोच समझ कर हैरी किसी लड़की को पार्टी में ले जाए। हैरी लूना को ले जाता है। उधर ड्रेको फिर से रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता है और अलमारी में एप्पल रखता है और स्पेल करता है। खोलने पर पहली बार में एप्पल गायब हो जाता है और दूसरी बार में खाया हुआ एप्पल वापस आता है। क्रिसमस पार्टी में हैरी को नेविल ड्रिंक सर्व करता हुआ दिखता है और हमाइनी किसी से छिपते हुए वो हैरी को बताती है कि वो कॉर्मैक के साथ आई है सिर्फ रॉन को जलाने के लिए, पर अब उसे वो मिसल्टो के नीचे छोड़कर आई है। कॉर्मैक वहाँ आ जाता है और हमाइनी उसके पहले ही निकल जाती है। कॉर्मैक ड्रैगन बॉल्स को खा लेता है पर पता चलते ही उल्टी कर देता है, जो इत्तेफाक से वहाँ आए स्नेप के ऊपर हो जाती है, जो हैरी को ये कहने आए थे कि उन्हें मैसेज देना है कि हॉलीडेज में डंबलडोर बाहर जा रहे हैं और स्कूल रीओपन होने पर ही वापस आएंगे। पर तभी वहाँ फिल्च ड्रेको को पकड़ कर ले आता है कि वो चोरी से बाहर घूम रहा था। स्नेप ड्रेको को वहाँ से ले जाते हैं। लौटते हुए स्नेप ड्रेको पर नाराज होते हैं कि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अनब्रेकेबल वो लिया है और वो उसकी हेल्प करेंगे, पर ड्रेको मना कर देता है। हैरी ये सब सुन रहा होता है। हॉलीडेज में घर जाते टाइम हैरी रॉन को सब कुछ बता देता है, जिस पर रॉन बताता है कि अनब्रेकेबल वो को तोड़ने वाला मर जाता है। तभी वहाँ लेवेंडर आकर ग्लास पर दिल बना जाती है, जिसे हरमाइनी देखकर अंदर ना आकर बाहर से ही चली जाती है। रॉन को लेवेंडर अब इतनी पसंद नहीं थी। वीजलीज के घर हैरी आर्थर और रीमस को बता देता है कि ड्रेको वोल्डेमॉर्ट का कोई काम कर रहा है और स्नेप उसकी हेल्प करने की कोशिश, पर ल्यूपिन कहते हैं कि अगर डंबलडोर को स्नेप पर भरोसा है तो उन्हें भी है। वो वहाँ से चले जाते हैं और जिनी हैरी को स्वीट्स खिलाती है। हॉगवर्ट्स वापस आकर हैरी फिर से याद में जाता है। इस बार इस याद में स्लगहॉर्न होते हैं और टॉम और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं। दोस्तों के जाने के बाद टॉम स्लगहॉर्न की चापलूसी करता है और स्लगहॉर्न से लाइब्रेरी में पढ़े एक मंत्र के बारे में पूछता है, पर स्लगहॉर्न उसे डांट कर मना कर देते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रेजेंट में आकर डंबलडोर बताते हैं कि याद के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिसकी याद है उसी ने इसे बदला है, पर यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए डंबलडोर हैरी को काम देते हैं कि वो स्लगहॉर्न से असली याद निकलवा लाए। हैरी बिना दिमाग लगाए स्लगहॉर्न के पास पहुंच जाता है और सेम डायलॉग मारता है जो उसने याद में देखा था, जिस कारण स्लगहॉर्न समझ जाते हैं कि डंबलडोर ने हैरी को वो याद दिखा दी है, और उसके बाद वो हैरी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हैरी रूम में जाता है और देखता है कि रॉन अजीब सा बिहेव कर रहा है। रॉन ने चॉकलेट का पूरा बॉक्स खा लिया था जो उसे हैरी के बेड पर मिला था। रॉन कहता है कि उसे प्यार हो गया है, पर क्या वो लड़की उसे जानती भी है? जब हैरी कहता है कि वो जानती है तभी तो 3 महीने से उसे किस कर रही है, तो रॉन को समझ में नहीं आता कि हैरी क्या बोल रहा है और हैरी को भी समझ में नहीं आता कि रॉन क्या बोल रहा है, और पता चलता है रॉन रोमिल्डा वैन की बात कर रहा है। और हैरी देखता है कि रॉन ने लव पोशन वाले वो स्वीट्स खा लिए जो रोमिल्डा ने हैरी के लिए भेजे थे। हैरी रॉन को स्लगहॉर्न के पास ले जाता है जहां वो लव पोशन का एंटीडोट देते हैं। रॉन ठीक तो हो जाता है पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। स्लगहॉर्न जड़ी बूटी वाली वाइन सर्व करते हैं ताकि रॉन को अच्छा लगे।
अभी हैरी और स्लगहॉर्न ने ग्लास हाथ में लिया ही था कि रॉन उसे पहले ही पी लेता है और गिर जाता है और उसके मुंह से झाग आने लगता है। स्लगहॉर्न को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर हैरी भाग कर जाता है और बिजोआ लाकर रॉन के मुंह में ठूस देता है, जिससे रॉन की जान बच जाती है। रॉन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डंबलडोर, स्नेप, मैकोनिकल भी आ जाते हैं। स्लगहॉर्न के हाथ से बोतल लेकर देखने पर डंबलडोर कहते हैं कि इसमें जहर मिला था। तभी लेवेंडर रॉन को ढूंढते हुए आ जाती है, पर रॉन नींद में हरमाइनी का नाम बड़बड़ा रहा होता है और ये देखकर लेवेंडर वहाँ से रोती हुई चली जाती है और हरमाइनी खुश होकर वहाँ ही बैठ जाती है। जिनी और हैरी उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाते टाइम हैरी देखता है कि ड्रेको कहीं जा रहा है। ड्रेको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता है, जहाँ एक बर्ड को वो अलमारी में छोड़ता है, जो बोगिन एंड बक्स में सेम दिखने वाली अलमारी में आवाज करती हुई बताई गई है। पर वापस अलमारी खोलने पर ड्रेको को बर्ड मरी हुई मिलती है। रॉन ठीक होकर वापस आ जाता है और उसे पता नहीं होता कि लेवेंडर से उसका पीछा कैसे छूटा। लेवेंडर गुस्से में बैठी होती है, तभी वहाँ केटी ठीक होकर आ जाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। और हैरी का ध्यान जाता है कि उसे देखते ही ड्रेको घबरा जाता है और वहाँ से कहीं चला जाता है। हैरी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ड्रेको बाथरूम में रो रहा है, पर हैरी को देखते ही ड्रेको उस पर हमला कर देता है और क्रूशियटस कर्स करने की कोशिश करता है, पर हैरी उससे पहले ही उस पर सेक्टम सेम्परा कर देता है, जिससे मैल्फॉय के शरीर से खून निकलने लगता है। स्नेप वहाँ आ जाते हैं और ड्रेको को ठीक कर देते हैं। जिनी, हरमाइनी और रॉन हैरी को कहते हैं कि उसे अब इस बुक से छुटकारा पाना होगा और हैरी जिनी की हेल्प से बुक को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही छिपा देता है, जहाँ हैरी और जिनी किस भी कर लेते हैं। रॉन और हैरी स्लगहॉर्न को आता देखते हैं और रॉन पूछता है कि क्या स्लगहॉर्न के साथ हैरी की किस्मत चमकी, जिस पर हैरी को क्लिक हो जाता है कि किस्मत ही दोसे चाहिए। इसलिए वो लिक्विड लक पीने का डिसाइड करता है और उसको पीते ही उसके मन में हैग्रिड से मिलने की इच्छा होती है। रस्ते में उसे स्लगहॉर्न ग्रीन हाउस में प्लांट्स चुराते हुए मिलते हैं और हैरी बता देता है कि वो हैग्रिड से मिलने जा रहा है, पर रात में क्योंकि अकेले घूमना मना होता है, इसलिए हैरी स्लगहॉर्न को भी साथ में ले जाता है। हैग्रिड के पास पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि हैग्रिड एरेगोग नाम के एक्रोमेंटुला मकड़े के मरे हुए शरीर के पास खड़ा है। हैग्रिड रो रहा होता है क्योंकि एरेगोग उसका दोस्त होता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि एक्रोमेंटुलास का वेनम बहुत ही अनकॉमन होता है, तो क्या वो थोड़ा सा ले लें। हैग्रिड हाँ कर देता है और वेनम लेने के बाद वो लोग उसकी बॉडी को दफना देते हैं और उसके नाम का जाम पीने लगते हैं। फिर स्लगहॉर्न एक फ्रांसिस नाम के फिश की कहानी भी सुनाते हैं, पर इस दौरान हैग्रिड सो जाता है और स्लगहॉर्न बताते हैं कि वो फिश उन्हें लिली ने दी थी। हैरी स्लगहॉर्न को याद दिलाते हैं कि लिली कितनी ब्रेव थी और उसके ही सेक्रीफाइस से हैरी जिंदा बचा। स्लगहॉर्न को भी उसी तरह ब्रेव होना चाहिए और लिली की मौत का बदला लेने में हैरी की हेल्प करना चाहिए, और स्लगहॉर्न उसकी मदद के लिए वो याद उसे दे देते हैं। हैरी उस याद को लेकर डंबलडोर के पास जाता है और दोनों पास्ट में जाकर देखते हैं कि टॉम हॉक्रक्स मैजिक के बारे में स्लगहॉर्न से पूछ रहा होता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि ये काला जादू है। हॉक्रक्स में अपनी आत्मा के टुकड़े को छिपाया जाता है ताकि मर कर भी इंसान वापस आ सके, और आत्मा के टुकड़े खून करने से होते हैं। साथ में ये भी दिखाते हैं कि टॉम एक अंगूठी पहने हुए है जिसमें काला पत्थर लगा हुआ है। टॉम ये भी पूछता है कि क्या आत्मा के 60 टुकड़े किए जा सकते हैं, और वो लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। हैरी समझ जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रक्स बना लिया था, और डंबलडोर ये भी बताते हैं कि हॉक्रक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अंगूठी और डायरी। वो बताते हैं कि कैसे वोल्डेमॉर्ट की माँ की अंगूठी, जो कि हॉक्रक्स थी, उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया है, जिसके कारण उनका हाथ काला पड़ गया था, और डायरी को हैरी ने नष्ट कर दिया था। और अगर सारे हॉक्रक्स नष्ट कर दिए गए तो वोल्डेमॉर्ट भी नष्ट हो जाएगा, और ये क्योंकि खतरनाक काला जादू है तो ये गहरे निशानी छोड़ता है। और वो इन्हीं हॉक्रक्स को ढूंढने स्कूल से बाहर जाया करते थे, और उन्हें एक हॉक्रक्स मिल भी गया है, और इस बार वो हैरी को भी साथ ले जाएंगे। हैरी आ जाता है, डंबलडोर उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की, और दोनों एपरेट होकर समुंदर के एक रॉक पर पहुंच जाते हैं। वहां से वो एक गुफा में जाते हैं जिसमें एंट्री के लिए पहले तो खून का बलिदान देना होता है, जो डंबलडोर खुद देते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। डंबलडोर रोशनी फेंकते हैं जो दूर एक टापू से टकराती है। वहां जाने के लिए झील पार करनी होगी, जिसमें से डंबलडोर एक नाव निकालते हैं। हैरी और डंबलडोर दोनों टापू पर पहुंचते हैं, जिसमें एक बेसिन रखा होता है और उसमें एक पोशन भरा होता है। डंबलडोर कहते हैं कि पोशन को पी कर ही खत्म करना होगा, और वो पोशन पीते रहें इसका ध्यान हैरी को रखना होगा, भले ही इससे उन्हें कितनी भी तकलीफ हो रही हो। और वो पोशन पीने लगते हैं। हैरी उन्हें पोशन पिलाता जाता है, जब तक कि बेसिन के तली में रखा लॉकेट उन्हें नहीं मिल जाता। पर डंबलडोर फिर पानी मांगते हैं और हैरी जादू से पानी लाने की कोशिश करता है, पर पानी नहीं आता, इसलिए वो अंत में झील से पानी लेता है, पर उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और बहुत से सजीव लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, और कोई भी स्पेल उन पर काम नहीं करता। वो हैरी को खींच कर पानी में ले जाती हैं, पर तभी रोशनी आ जाती है और लाशें उसे छोड़ देती हैं। डंबलडोर ने गुफा को आग से भर दिया था,
जिससे लाशें डरती थी और वो वापस आने लगते हैं। उधर बोगिन एंड बग से डेथ ईटर्स एंटर करते हैं और ड्रेको हॉगवर्ट्स की अलमारी खोल देता है और सारे डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं। हैरी और डंबलडोर वापस हॉगवर्ट्स आ जाते हैं। हैरी कहता है कि वो मैडम पॉम्फ्री को बुला लेगा, पर डंबलडोर उसे स्नेप को बुलाने का कहते हैं। पर इससे पहले कि हैरी जा पाता, कोई आ जाता है। डंबलडोर हैरी को छिपने का कहते हैं। वहाँ ड्रेको आया होता है। डंबलडोर से समझाते हैं कि वो हत्यारा नहीं है, वो डंबलडोर की तरफ आ जाए तो वो उसकी रक्षा करेंगे। ड्रेको रोने लगता है कि उसे ये करना ही होगा और वो उन्हें अपने हाथ में लगा डार्क मार्क दिखाता है कि वो भी अब एक डेथ ईटर है। डंबलडोर उसकी मदद के लिए छड़ी उठाते हैं पर ड्रेको उन्हें डिसार्म कर देता है। तभी वहाँ बेलाट्रिक्स और कुछ डेथ ईटर्स आ जाते हैं और ड्रेको से कहते हैं कि वो डंबलडोर को मार दे। उधर स्नेप हैरी के पीछे आ जाते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और ऊपर चले जाते हैं। डंबलडोर स्नेप को देखते ही प्लीज कहते हैं और स्नेप डंबलडोर को किलिंग कर्स से मार देते हैं। सभी डेथ ईटर्स वहां से भागते हैं। हैरी उनके पीछे जाता है। बेलाट्रिक्स हैग्रिड की झोपड़ी में आग लगा देती है। हैरी स्नेप पर शाप मारता है पर स्नेप उन्हें रोक देता है। हैरी उसे कावर्ड कहता है। बेलाट्रिक्स हैरी पर कर्ज करती है पर स्नेप यह कहकर रोक देता है कि वो डार्क लॉर्ड का शिकार है। हैरी फिर से स्नेप पर सेक्टम सेम्परा स्पेल करता है पर स्नेप उसे भी रोक देते हैं और बताते हैं कि हैरी उन्हीं के बनाए मंत्र उन्हीं पर ही यूज कर रहा है, वो ही हाफ ब्लड प्रिंस है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ डंबलडोर के बेजान शरीर के पास सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी जमा होते हैं। हैरी डंबलडोर की लाश के पास जाता है जहाँ उसे लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है। सब लोग डंबलडोर को ट्रिब्यूट देते हैं जिससे ऊपर बना डार्क मार्क गायब हो जाता है। अगले दिन हैरी डंबलडोर के ऑफिस में जाता है जब मैकोनिकल भी आ जाती हैं और कहती हैं कि वो हमेशा हैरी की हेल्प करेंगी। हरमाइनी हैरी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ड्रेको डंबलडोर को मार डालता, पर हैरी कहता है कि नहीं, वो नहीं मारना चाहता था और डंबलडोर को स्नेप ने मारा। फिर वो लॉकेट भी दिखाता है जो कि दरअसल नकली होता है, किसी आरएबी ने पहले ही सीक्रेट जानकर असली हॉर्क्रक्स ले लिया था, यानी डंबलडोर की कुर्बानी बेकार गई थी। हैरी बताता है कि नेक्स्ट ईयर वो वापस हॉगवर्ट्स नहीं आएगा और हॉर्क्रक्स को ढूंढेगा, पर हरमाइनी उससे कहती है कि उसने कैसे सोच लिया कि वो अकेले हॉर्क्रक्स को ढूंढकर नष्ट कर सकता है, वो लोग भी साथ चलेंगे। और तीनों हॉगवर्ट्स को आखिरी बार देखते हैं जहां से डंबलडोर का फीनिक्स चला जाता है।